स्टार्ट विद चैप्टर टू दैट इज कीपिंग सेफ. व्हाट डज इट से? कीपिंग सेफ. आपको इस चैप्टर में ये पढ़ना है किस तरीके से आप सेफ रह सकते हो अगर आप घर पर हो, अगर आप स्कूल में हो, एंड इफ यू आर ऑन रोड, अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है टू बी सेफ. अगर हमें सेफ रहना है तो वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशन जिससे कि हम सेफ रह सकते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल बी लर्निंग ऑल दिस थिंग्स, हाउ टू बी सेफ एट वॉट एवर प्लेस यू आर. ओके, सो हियर वी आर स्टार्टिंग विथ फर्स्ट सेफ्टी एट होम. अगर आप घर पर हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है. वेन यू आर एट होम यू डू नॉट हैव टू वॉक ऑन वेट क्लोज ऑन बाथरूम्स. बाथरूम्स वगैरह जो होते हैं तो आपको उस गीले फ्लोर पे आपको भागना नहीं है. यू माइट गेट स्लिप. ओके, नेक्स्ट यू थिंक हैव रिमेंबर इज डू नॉट गो नियर गैस स्टोव. अगर आप घर पर हैं तो गैस विदाउट एनी अडल्ट पर्सन स्टैंडिंग नियर यू डू नॉट हैव टू गो नियर स्टोव. और यू हैव टू यूज एनी शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, सीजर्स, ये सारी चीज़ें आपको यूज नहीं करनी है. इट माइट गेट यू हॉट. ओके, यू माइट कट योर हैंड फिंगर. सो away from, stay away from that. Next, when you are never touch electric switches वगैरह. अगर आपके घर पे electric boards होते हैं, ठीक है, सबके घर पे होते हैं, आपको electric switches नहीं छूना है. क्या हो सकता है उस पर करंट फ्लो होता रहता है तो आपको वहां से करंट लग सकता है. स्विच सॉकेट्स जो होते हैं, सॉकेट्स पे यू नॉट हैव टू पुट फिंगर्स, नहीं तो उससे आपको करंट लग सकता है. बहुत सी चीजों का आपको घर का, अगर घर पर है तो आप क्या करते हो, पढ़ाई कर ली, खिलौनों से खेल लिया, टॉयस, एंड यू कीप इट लाइंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर ही छोड़ देते हो. उससे क्या होगा, जब आप खेल के वापस रिटर्न आते हो तो यू माइट गेट स्लिप ऑन दैट टॉयस वगैरह. तो ये सारी चीजें यू हैव टू रिमेंबर इन माइंड दैट यू नॉट हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स बिकॉज इट कैन मेक यू गेट हर्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट मूविंग टू दी सेफ्टी एट स्कूल. व्हाट डज इट मीन? अगर हम स्कूल में तो हमें क्या ध्यान देना है सेफ्टी का, ठीक है. तो अगर हम स्कूल में है तो आपको जब आप स्टेयर्स पर चढ़ते हो तो रन करते हुए आपको स्टेयर्स पे ना ही चढ़ना है ना ही उतरना है. डू नॉट क्लाइंब ऑन द स्टेयर्स. व्हाट विल हैपन इफ यू विल क्लाइंब, यू माइट गेट फॉल समटाइम्स. ओके, नेवर एवर प्ले ऑन द बेंचेस. व्हेनेवर यू आर इन क्लासरूम नेवर रन अराउंड बेंचेस. आप क्लासरूम में होते हो तो जैसे कि रिसेस होता है और टीचर इज नॉट इन द क्लास व्हेनेवर तो आप क्या करते हो, बेंचेस पर खेलने लगते हो. सो दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर यू, यू माइट गेट हर्ट. आप क्या हो सकते हो, गिर सकते हो बेंचेस से, आपको चोट लग सकती है. नेवर पुश योर फ्रेंड व्हाइल प्लेइंग. अगर आप खेलते हो कभी भी प्ले कर रहे हो कोई पीटी पीरियड में वगैरह तो आपको प्ले नहीं पुश नहीं करना है आपके फ्रेंड्स को, उससे क्या हो सकता है तो गिर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट मोड यू हैव टू सी इन माइंड स्टैंडिंग क्यू, ऑलवेज स्टैंडिंग क्यू. इसका मतलब क्या है बेटा, आपको लाइन में खड़े रहना है अगर आपकी बस आ रही है तो. ये नहीं कि पहले के तो बस चलती जा रही है और आप उससे कूद के निकल गए या फिर बस चल रही है और आप उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहे हो. सो दिस इज वेरी रॉन्ग. यू हैव टू कीप इन माइंड दैट नेवर एवर गेट इनटू अ मूविंग बस. ओके, नेक्स्ट सेफ्टी ऑन रोड. सेफ्टी ऑन रोड क्या है बेटा, अगर आप रोड पर हो तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, ठीक है. तो व्हेनेवर यू आर ऑन रोड और नेवर एवर प्ले ऑन रोड. क्या बोला है, आपको रोड पर खेलना नहीं है बिकॉज कभी भी कोई भी गाड़ी आ सकती है, यू नेवर नो, एंड वो आपको क्या कर सकती है, हिट कर सकती है. नेक्स्ट क्या बोला, ऑलवेज यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग और सबवे. ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, एनीवन नो हियर, सी व्हाट इज ज़ेब्रा क्रॉसिंग. आपने देखा होगा रोड पे बहुत सारे जो बम्प होते हैं, बम्प पर क्या क्या होता है, व्हाइट एंड ब्लैक का लाइन किया हुआ होता है, दैट इज नोन एज ज़ेब्रा क्रॉसिंग. तो क्या करना है, वहां पर क्या होती है, बम्प पे क्या होती है, गाड़ियां जो होती है वो स्लो स्लो जाती है. तो जब आपको रोड क्रॉस करना है तो आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से जाओ. अगर आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से जाते हो वहां पर गाड़ी स्लो होगी तो आपको हिट नहीं करेगी. नेक्स्ट व्हाट इट इज रिटन, सबवे. सबवे क्या है बेटा, सबवे कभी भी आप कहीं पे जाते हो देखते हो रोड होता है ऊपर और नीचे से अंडरग्राउंड रास्ता होता है. जो अंडरग्राउंड रास्ता होता है दैट इज फॉर वॉकिंग, वो हमारे चलने के लिए होता है. और अगर आप उसका यूज करते हो तो आप कभी भी हिट नहीं हो पाओगे किसी गाड़ी से, एंड दैट इज स्पेशली बिल्ट कि लोग उस पर जा सके उससे, ठीक है. नेक्स्ट इज वॉक ऑन फुटपाथ. देखो रोड होता है, रोड पे गाड़ियां चलती है, रोड रोड के दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा जगह दिया होता है
जाना है, कब घूमना है और कब वेट करना है, तो ये सारी चीजें इसमें दी गई है। वो व्हीकल्स के लिए ये सिग्नल मिलती है वहां पर, ट्रैफिक सिग्नल पर। वो क्या होता है, रेड कलर है, रेड कलर अगर जल रहा है उस सिग्नल में, व्हाट इट मींस यू हैव टू स्टॉप देयर। आपको आपकी गाड़ी वहां पर रोक लेनी है, यू डू नॉट हैव टू क्रॉस द रोड, ओके। आपको गाड़ी रोकनी है। नेक्स्ट है ग्रीन। ग्रीन का मतलब गाड़ी चले, गाड़ी को चलने, गाड़ी को रुकना नहीं है सिग्नल पर। नेक्स्ट इज येलो। येलो का मतलब क्या है, वेट करो, बस अब सिग्नल खत्म होगा और आप जा सकते हो, आपका टाइम आउट होगा और थोड़ी देर वेट करके आप निकल सकते हो। सो ये सिर्फ इस तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना है, अगर आप इन चीजों पर हो तो, सो दैट आपको क्या होगा, कोई भी एक्सीडेंट यू विल नॉट मेट। नेक्स्ट, अगर इफ एनीथिंग हैपेंस, अगर कुछ हो जाता है तो हमें क्या करना है, और वी विल लर्न दिस ऑल्सो इन दिस चैप्टर। सो व्हाट इज दैट, दैट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एड क्या होता है, दैट इज नथिंग बट एक इमीडिएट हेल्प है बेटा। किसी भी, अगर सपोज किसी भी बच्चे को चोट लगी है, तो अगर मैं उसे फटाफट कोई भी हेल्प दे दूँ तो वो क्या होगा, इमीडिएट हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पर्सन। जिस भी बच्चे को चोट लगी है उसे जो हम फट से अगर हेल्प देते हैं, दैट इज नोन एज इन फर्स्ट एड। और फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, फर्स्ट एड बॉक्स में सपोज किसी को भी चोट लगी है और अगर हमें उसे हेल्प करना है, तो कोई कुछ जो भी चीज़ें सामान, जो सामान होता है उसमें, उसे हम एक बॉक्स में रखते हैं, दैट इज नोन एज फर्स्ट एड बॉक्स। और उस फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या जरूरी जरूरी चीजें होनी चाहिए, तो सी हियर वी विल लर्न क्या क्या होना चाहिए। एंटीसेप्टिक क्रीम, लोशन होना चाहिए। एंटीसेप्टिक लोशन होगा तो पहले अगर किसी को कुछ चोट लगी है उसे आप क्लीन करोगे लोशन से। नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, उस पर क्रीम अप्लाई करोगे। फिर उसमें क्या क्या होना चाहिए, बैंडेज होना चाहिए, बैंडेड होना चाहिए, बैंडेड को चिपकाने के लिए बैंडेज होना चाहिए, अगर ज्यादा चोट लगी है तो उसे बांधने के लिए। नेक्स्ट है सीजर, अगर कुछ कोई भी वुंड वगैरह हुआ है तो उसे कट करने के लिए या बैंडेज कट करने के लिए सीजर्स चाहिए। गॉज होना चाहिए, कॉटन ग्लो, कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए वो क्लीन करने के लिए एरिया। नेक्स्ट है गॉज होना चाहिए, सिरिंज होना चाहिए, सिरिंज वगैरह ये सारी चीजें जो है फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। अंडरस्टूड। सो ये जो चैप्टर में हमने क्या देखा, हाउ वी हैव टू बी सेफ, हाउ वी कैन बी सेफ इन ऑल दीज प्लेसेस। सो ये सारे प्रिकॉशंस इफ यू टेक यू विल बी सेफ एंड यू विल नेवर गेट हर्ट। ओके, थैंक यू।